चैट शाला में आपका स्वागत है। यहाँ आप सुन सकते हैं शिक्षा से जुड़े सभी विषयों पर बातचीत, खोज सकते हैं नए विचार और पा सकते हैं अपनी कक्षाओं में आने वाली दिक्कतों का कुछ हल। तो आइए कान लगाकर, मेरा मतलब है ध्यान लगाकर सुनिए चैट शाला। नमस्ते दोस्तों, शैक्षिक मुद्दों के बारे में चिंतन सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक बहुत अहम हिस्सा है। हम शिक्षक बच्चों के स्वभाव और उनके सीखने की प्रक्रिया के बारे में सोच विचार तो करते ही रहते हैं। NCFTE नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2010 में शिक्षक को बस एक तकनीशियन के रूप में ही नहीं देखा गया है, बल्कि व्यापक दृष्टि में एक सोचने, चिंतन करने, समस्याओं के हल ढूंढने वाले सामाजिक प्राणी के रूप में देखा गया है, जो परिस्थिति के हिसाब से फैसले लेने में सक्षम होते हैं, जो समुदाय और सामाजिक समस्याओं के बारे में गहरी सोच रखते हैं और समय समय पर उन पर काम भी करते रहते हैं। आइए देखते हैं चिंतन के दौरान उठाए गए एक शिक्षक द्वारा कुछ सवालों को। गणित के पीरियड में एक अंक की संख्या में जब घटा के इबारती सवाल दिए तो शाइन को ये सवाल समझने में दिक्कत आ रही थी। मनप्रीत आज ओणम के त्योहार के बारे में जानने समझने में दूसरे बच्चों की तुलना में कम रुचि क्यों ले रहा होगा? किशोरी पिछले एक हफ्ते से स्कूल नहीं आ रही थी और आज दिन भर उसने केवल हिंदी के पीरियड में सक्रिय रूप से भाग लिया, बाकी समय वो थोड़ी गुमसुम सी बैठी रही। इन सब परिस्थितियों के पीछे क्या कारण हो सकते हैं और शिक्षक बच्चों के इन अनुभवों को बदलने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? और सबसे आखिरी सवाल, इन मुद्दों पर विचार विमर्श करने से आखिर होगा क्या? ऐसे सवाल शैक्षिक नजरिया बनाने के लिए बहुत जरूरी है। तो आज के इस पॉडकास्ट में आइए हम सबसे आखिर में उठाए गए प्रश्न को सबसे पहले पर रखते हैं, जो है शिक्षक को अपने काम यानी सीखने सिखाने की प्रक्रिया के बारे में सोचने की जरूरत ही क्या है। शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे कई विशेषज्ञों ने शिक्षकों द्वारा किए गए विमर्श और चिंतन को कुछ इस प्रकार समझा है। शैक्षिक चिंतन या विमर्श एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक अपने अनुभवों को याद करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित अपनी समझ और ज्ञान के आधार पर उन अनुभवों का गहराई से सोचने और विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। इस प्रक्रिया में शिक्षक आने वाले समय और अपने छात्रों के साथ किए गए काम को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेते हैं। शिक्षक अकेले भी ये सफर तय कर सकते हैं और अपने सहयोगी शिक्षकों की मदद भी ले सकते हैं। आइए एक बार अपने शैक्षिक जीवन में रिफ्लेक्शन की भूमिका को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर रिफ्लेक्ट करें क्यों? शैक्षिक विमर्श से शिक्षक को अपनी कक्षा में अपने बच्चों के साथ किए गए रोजमर्रा के काम का विश्लेषण करने में मदद मिलती है। क्या सही गया, क्या और बेहतर तरीके से कक्षा में किया जा सकता है, उस पर आलोचनात्मक यानी क्रिटिकल परिपेक्ष प्रदान करती है। शिक्षण पद्धति को सुधारने का अवसर मिलता है जो शिक्षक की स्वयं की सीखने की प्रक्रिया को सक्रिय रखता है। ये सोचिए तो आप और बढ़ा सकते हैं। शोध बताता है कि चिंतन या रिफ्लेक्ट करने के कुछ कारगर औजार हैं, जैसे कि जर्नल लेखन, साथी शिक्षक द्वारा अवलोकन, अपनी कक्षा की रिकॉर्डिंग कर उसका विश्लेषण आदि। ये सभी तरीके रिफ्लेक्ट करने की प्रक्रिया को तभी कारगर बनाएंगे जब हम शिक्षा के बारे में अपनी समझ, धारणाओं, मान्यताओं और ज्ञान के बारे में जागरूक होंगे। उदाहरण के लिए सोचिए, अगर एक शिक्षिका जानती हो या समझती हो कि गणित विषय की प्रकृति क्या है, और केवल यही नहीं बल्कि ये भी जानती हो कि एक 4 से 5 साल के बच्चे को गणित में संख्या की अवधारणा समझने के लिए पहले मूल चीजें जैसे कि कंकड़, बटन, पत्थर आदि से गिनने का अनुभव देना होगा, वो बेहतर तरीके से बच्चों को ये अवधारणा सिखा पाएगी। और यदि बच्चे नहीं सीख पा रहे होंगे तो उनके लिए शिक्षण पद्धति में बदलाव कर पाएंगी। वहीं यदि कोई शिक्षक समझते हो कि भाषा की प्रकृति क्या है और जानते हो कि स्कूल की भाषा को बच्चों की मातृभाषा से जोड़ना क्यों जरूरी है, तो वो बच्चों को बेहतर तरीके से भाषा सिखा पाएंगे। तो इस बात में शामिल है कि कक्षा में अनुभव किए गए मुद्दों पर
शिक्षक बेहतर तरीके से विश्लेषण तभी कर पाएंगे जब वो शिक्षण पद्धति, सीखने की प्रक्रिया, शिक्षा के उद्देश्य और इन सभी का सामाजिक मूल्यों से रिश्ता समझ पाएंगे। तो आइए संक्षेप में समझते हैं कि जर्नल लेखन है क्या और इसके दौरान आप कौन कौन सी बातें ध्यान में रख सकते हैं। जर्नल लेखन में शिक्षक छात्रों द्वारा किए गए काम में अपने सहूलियत के अनुसार छोटी छोटी टिप्पणी कर सकते हैं, जिससे कि छात्रों के सीखने के बारे में शिक्षक को कुछ संकेत मिले। वे शैक्षिक सिद्धांतों से भी उस अनुभवों को जोड़ सकते हैं। मशहूर शिक्षाविद प्रोफेसर कृष्ण कुमार तो ये भी कहते हैं कि शिक्षक कक्षा में पढ़ाते समय अनुभव की गई परिस्थिति में अपने बचपन के अनुभव को रख कर भी उसका विश्लेषण करें। उदाहरण के लिए, जब आपके शिक्षक ने अचानक बिना सूचना दिए हिंदी पाठ के कठिन शब्दों के वर्तनी लिखने को कही हो, या आपके बचपन के मित्र ने बिना किसी के कहे आपको गणित के सवालों को समझने में मदद की हो, तो आपको कैसा लगा, आपके शिक्षक की क्या प्रतिक्रिया रही होगी आदि। इससे आप अपने छात्रों को और नजदीकी से जान पाएंगे और गहराई से समझ पाएंगे कि किसी बच्चे के व्यवहार के पीछे क्या कारण छिपे हो सकते हैं। वैसे तो जर्नल लेखन शिक्षक अपने लिए और अपने काम को बेहतर करने के लिए लिखते हैं और इसमें कोई निर्धारित फॉर्मेट नहीं होता, पर जर्नल लिखते समय आप कुछ बातों का खास ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि कक्षा में अनुभव की गई घटना, कोई महत्वपूर्ण बातचीत। ये बातचीत बच्चों के बीच या आपके और बच्चों के माता पिता के बीच या आपके और अन्य शिक्षक साथी से हुई किसी शैक्षिक मुद्दे पर की गई बातचीत भी हो सकती है। घटना से संबंधित कोई शैक्षिक सिद्धांत जिससे आप सहमत या असहमत हो और उसके पीछे के कारण, अपने बचपन का कोई मिलता जुलता अनुभव आदि, ये सभी पहलुओं को शामिल कर सकते हैं। आप अपने लिखे गए जर्नल को अपने साथी शिक्षक के साथ भी साझा कर सकते हैं और उनके विचार जान सकते हैं। इस तरह के चिंतन की प्रक्रिया और चर्चा आपको अपनी कक्षा में होने वाली घटनाओं को बारीक नजर से देखने और समझने का मौका देती है। दूसरा औजार है साथी शिक्षक द्वारा अवलोकन। इस प्रक्रिया में आप अपने साथी शिक्षक की मदद ले सकते हैं, जिससे कि उनके विचारों के जरिए आप अपने काम को और गहराई से समझ पाएंगे। अक्सर शिक्षक बनने की प्रक्रिया के दौरान शिक्षक कक्षाओं का अवलोकन कर उनसे उनके पढ़ाए गए तरीके पर सवाल पूछते हैं और अपने सुझाव और नए विचार भी साझा करते हैं। इस प्रक्रिया से एक ही स्कूल में पढ़ा रहे शिक्षकों को आपस में सीखने समझने के कई अवसर मिलते हैं। मुझे याद है, शिक्षक बनने की प्रक्रिया के आखिरी साल में 6 महीने के लिए जब हम बच्चों के साथ काम कर रहे थे, तब एक दिन कक्षा में काम करते समय 2 बच्चों में किसी बात पर कुछ अनबन हो गई। दोनों रोते हुए मेरे पास आए और अपनी अपनी बात बताने लगे। ऐसा कक्षा में पहली बार तो नहीं हुआ था, पर मुझे याद है कि उस दिन मैंने अचेतना में ही सही उन दोनों बच्चों को खुद ही अपनी परेशानी का हल ढूंढने को कह दिया। मेरी शिक्षिका भी उस दिन कक्षा में एक कोने में बैठे अवलोकन कर रही थी। अवलोकन के बाद उन्होंने मुझसे उन दोनों बच्चों की घटना पर थोड़ी बातचीत की। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने बच्चों के बीच सुलह क्यों नहीं करवाई। तब मैंने उन्हें बताया कि मेरा उद्देश्य उनके बीच सुलह करवाने का जरूर था, पर मैंने सोचा मुख्य जिम्मेदारी तो उन दोनों बच्चों की ही है। ये अनुभव मुझे अपनी सह शिक्षिका की कक्षा के अवलोकन के दौरान मिला, जहां मैंने समझा कि दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे आपस में एक दूसरे की बात सुनने समझने के काबिल होते हैं, और मैंने इसी अनुभव को अपनी कक्षा में ढालने की कोशिश की। मुझे आज भी याद है कि उस दिन उन दोनों बच्चों ने मुझसे कुछ घंटों तक बात ही नहीं की थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगा होगा कि मैंने उनकी प्रत्यक्ष रूप से कोई मदद ही नहीं की। और ये बहुत हद तक सच भी है, मैंने बच्चों पर एक तरह से खुद ही और अपने दोस्तों की जिम्मेदारी लेने का नैतिक दबाव डाला, और बच्चों ने जिम्मेदारी को पूरा भी किया। दोपहर तक दोनों बच्चे एक साथ काम करते दिखाई दे रहे थे। मेरी शिक्षिका को कक्षा में ऐसा माहौल बनाने की मेरी ये कोशिश पसंद आई। मेरी शिक्षिका से इस घटना पर बात करने से और इस घटना पर चिंतन करने से एक बात मेरे समझ में आ गई
कि शिक्षक होने के नाते कक्षा में सभी जिम्मेदारी शिक्षक की हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मुझे समझ आया कि बच्चों के साथ जिम्मेदारी बांटने से और इस तरह के नैतिक मुद्दों पर बच्चों को जोड़ने से उनके बीच रिश्ते तो गहरे होते ही हैं, साथ ही एक दूसरे के साथ काम करने के लिए उनमें जरूरी कौशल का भी विकास होता है। तीसरा और आखिरी औजार है अपनी कक्षा की रिकॉर्डिंग कर उस पर विश्लेषण करना। अगर आपके साथ कोई सह शिक्षक उपस्थित ना हो पर हो साथ में एक स्मार्टफोन, तो आप अपनी ही कक्षा में एक कोने में अपने काम की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और फिर उस पर विचार विमर्श कर आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। तो अगर आप तैयार हैं अपनी कक्षा में नए नए प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए, अपने शिक्षण पद्धति को और बेहतर बनाने के लिए, तो आप विमर्श एवं चिंतन की प्रक्रिया के जरिए ये जरूर कर सकते हैं। इस चैट शाला में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपके पास आज की चर्चा से जुड़े कोई सवाल हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। हर महीने आपके इन सवालों से सभी जरूरी सवाल चुनकर हमारी चैट शाला शिक्षकों की आवाज में उन पर चर्चा करेंगे। तो फिर से आपसे मुलाकात होगी।